हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल डिवाइस के अंदर जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टैकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। ये एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर होता है वो आपके आईफोन के अंदर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगते हैं उसे मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने फेसिस के सामने ये फ़ोन पकड़ के रखा है, तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो एक्स डायरेक्शन होगी, ऊपर जो होगी वो वाई डायरेक्शन, और आपके सामने जो होगी वो जेड डायरेक्शन। तो अगर अब आप अपने फ़ोन को मूव करेंगे कोई भी डायरेक्शन में, एक्स या तो फिर वाई डायरेक्शन में या आगे पीछे, तो वो सेंसर जो है एक्सेलेरोमीटर, वो जो मूवमेंट हुई उसे मेज़र करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा। और दूसरा एक यूज़ है, जैसे आपने टेबल पे ये फ़ोन रखा है ऐसे, तो वो मेज़र चेक करेगा कि ग्रेविटी भी मेज़र करेगा, क्यों बाद में उल्टा रखा है, तो उसे भी सेंसर के थ्रू आपको जो डेटा मिलेंगे वो नेगेटिव में मिलेंगे। तो इसके हिसाब से ये जो सेंसर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, और उसके हिसाब से कुछ एप्लीकेशन के अंदर ये जो सेंसर के डेटा है उसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन में ये एक्सेलेरोमीटर का यूज़ होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अपने आईफोन को सीधा पकड़ के रखा है और बाद में जब आप उसे रोटेट करते हैं, तो अगर आपके पास आईफोन 6 प्लस, 7 प्लस, प्लस मॉडल है, तो आपको पता ही होगा कि ये जो है वो वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड दोनों मोड में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे भी ये सेंसर यूज़ होता है डिटेक्शन करने के लिए कि आपने स्क्रीन को कैसे पकड़ के रखा है। और दूसरा यूज़ केस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे फ़ोटोज़ गैलरी में से फ़ोटो एक्सेस करते हैं, तो अपने फ़ोन को वर्टिकल या तो फिर ऐसे रोटेट करते हैं, तो उस टाइम पे भी फोटोग्राफ जो होता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप में हो जाता है, तो वहाँ पे भी ये सेंसर का यूज़ होता है। और कई बार आप अपने आईफोन को स्वाइप करके यहाँ से ओरिएंटेशन लॉक कर देते हैं, तो जैसे आप ओरिएंटेशन को लॉक करेंगे तो वहाँ से वो सेंसर जो है उसके डेटा रिसीव होना स्टॉप हो जाएगा, और एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा लॉजिक होता है कि वो रिस्पॉन्सिव होना बंद कर देगी, यानी आप उसके बाद में आप फ़ोन को कैसे भी रोटेट करेंगे तो वो जो सेंसर है वो सेंसर वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एक यूज़ ये है कि कुछ फ़ोन के मॉडल में, एंड्रॉयड वगैरह कुछ कंपनी के मॉडल में ऐसा होता है कि जैसे ही आपके फ़ोन में कोई रिंग बजती है तो आपको अगर उसे साइलेंट करना है तो आप उसे उल्टा रख देते हैं। तो जैसे आपने उल्टा रख दिया तो अंदर एक सेंसर के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी और तुरंत ही वो जो मोबाइल के अंदर जो रिंग बज रही है उसे साइलेंट कर देगी। तो ये बेसिक यूज़ केसेस है कि ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर कहाँ पर यूज़ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत ही आपको अपने डिवाइस में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।